welcome again in my youtube channel learning Botany. today in this video i'm going to teach you another class of the fungi this is basidiomycetes and this is most extensive class of the fungi right because by basidiomycetes ascomycetes and deuteromycetes these three classes are belongs to higher fungi ओके, सो एक्सटेंसिव अमाउंट में जितनी भी फंजाई इंक्लूड होती हैं, वो सब पेसिडियो माइसिटीज के अंडर आती हैं, ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सम इंट्रोडक्शन एंड देन स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन ब्रीफ रिप्रोडक्शन एंड क्लैम कनेक्शन सो इस वीडियो में हम बस एक जनरल एक ब्रीफ व्यू लेंगे पेसिडियो का इसके फिर जितने भी मेंबर्स हैं उनके बारे में हम आगे जितने भी वीडियो हैं अपकमिंग वीडियो उनमें डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट देखिए सबसे पहले जो बेसिडी ओ माइसिडीज है वो मोस्ट एक्सटेंसिव क्लास है ऑफ हायर फंजाई राइट इसमें ट्वेंटी थाउजेंड स्पीसीज हैं और मोर देन फोर सिक्सटी जेनेरा इतने जो हैं इसके रिपोर्टेड हैं यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट है ठीक है एंड इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उसमें बेसिडियोस्पोर बनते हैं जैसे हमने एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में पढ़ा था कि एस्कस की फॉर्मेशन होती है एस्कोस्पोर बनते हैं तो सिमिलरली इन केस ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज वहां पर बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन होती है जो कि बेसिडियम एक स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर जैसे एस्कोस्पोर के लिए एस्कस स्ट्रक्चर होता है राइट वैसे ही बेसिडियोस्पोर के लिए बेसिडियम स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर हैं दीज आर अनून यानी कि कोई भी इसमें फ्लैजिला किसी भी तरीके का फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है बेसिडियो में जो मेंबर्स हैं वो हैं रस्ट स्मर्ट मशरूम टोट स्टोल्स पफ बॉल्स शेल्फ्स ये सब फंजाई इसमें इंक्लूड होती हैं कुछ फंजाई पैरासाइट है यानी कि अब दूसरे पर डिपेंड है कंप्लीटली एंड कुछ सेप्टोफाइट है और इसके कुछ मेंबर्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी राइट पक्सिनियस टलेगो वो क्या करती है उनको नॉर्मली रस्ट और स्मट के नाम से जाना जाता है वो जितने भी हमारी क्रॉप्स हैं उसमें बहुत ही सीरियस डिजीज़ को कॉज कर सकती हैं जिसकी वजह से क्या होता है जो क्रॉप्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस जो है फेस करना पड़ सकता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये हमारी फसलों के लिए जितनी भी हमारी फसलें हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं और जो मशरूम है इसके अलावा जो मशरूम है उसका आपको मशरूम तो आपने कॉमन नेम सुना ही होगा जो कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये एज अ फूड की तरह यूज होता है बहुत ही पॉपुलर है राइट एंड अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है देखिए इसकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पेशली मल्टी न्यूक्लियर है यानी कि मोर देन टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट हेयर सेप्टेड है यानी कि सेगमेंटेशन है यहाँ आप देख सकते हैं सेप्टेशन प्रेजेंट है ब्रांच है यह देख सकते हैं कि ब्रांचिंग यहां पर है राइट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ यानी कि इसकी जो सेल वॉल है दैट इज काइटिनियस काइटिन की बनी होती है डायकेरियोटिक माइसिलियम यहां पर प्रेजेंट है जिसे हम टू न्यूक्लियर यानी कि डायकेरियोन कंडीशन बोल सकते हैं डायकेरियोटिक कंडीशन बोल सकते हैं अब देखिए यहां पर जो माइसिलियम है वो दो तरीके का होता है प्राइमरी माइसिलियम एंड सेकेंडरी माइसिलियम ठीक है प्राइमरी माइसिलियम जो है वो डेवलप होता है किससे मोनोकैरियोटिक सेल से मोनोकैरियोटिक से. मतलब जब एक सिंगल सेल प्रेजेंट होगी किसी भी प्लांट बॉडी में यानी कि प्लांट बॉडी का मतलब बेसिडियो माइसिटिस की जितने भी मेंबर्स हैं जब वहां पर मोनोकैरियोटिक कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में प्राइमरी माइसिलियम बनता है और जब सेकेंडरी माइसिलियम जब डेवलप होता है तो उसको हम मोनोकैरियोटिक प्लस डाई जो माइसिलियम है वो टर्म्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी यानी कि जब दोनों एक साथ होंगे, भी और भी तो से टर्म नहीं होती और इसका जो है, जो है, वो होस्ट में पेनिट्रेट करती है बाय दी हेल्प ऑफ हॉस्टोरिया मैंने आपको बताया था पहले भी कि हॉस्टोरिया स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से ये किसी भी होस्ट बॉडी से जिसके अंदर ही रह रही है जिसके अंदर ही हर चीज के लिए डिपेंड है अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड है तो उससे जब ये अटैच होती हैं तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम हॉस्टोरिया ओके अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक डायग्राम है ओके सबसे पहले आप देखोगे कि बेसिडियो के मेंबर्स में दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होता है किस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी माइसिडियम बनते हैं देखिए पहले स्ट्रक्चर जो है वो है बेसिडियोस्पोर एक सिंगल स्पोर है मल्टी सॉरी यूनी न्यूक्लियर है क्योंकि यहां पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है अब अगर आप बी में देखोगे तो बी में ये प्राइमरी यानी कि यहां पर जितना भी आप सेल देखोगे वहां पर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है ये जो स्ट्रक्चर है यह है बेसिडियोस्पोर तो उस बेसिडियोस्पोर से ये देखिए यह बेसिडियोस्पोर और इस बेसिडियोस्पोर से ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं डेवलप हो रहे हैं यानी कि ये होंगे प्राइमरी माइसिलियम ये कंप्लीट माइसिलिया होगा ओके okay? इसके बाद आप देखोगे प्राइमरी माइसिलियम से फिर जो वो है देखिए आप देखोगे प्राइमरी माइसिलियम डेवलपिंग फ्रॉम बेसिडियोसपोर यानी कि बेसिडियोपोर से फिर प्राइमरी माइसिलियम कैसे डेवलप हो रहा है देखिए यहां पर था प्राइमरी माइसिलियम मोनोकेरियोटिक कंडीशन अब अगर आप दूसरी कंडीशन में देखोगे डायकेरियोटिक तो यहां पर दो सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है ओके okay? यहां पर टाइकेडियोनिक सिचुएशन प्रेजेंट है क्योंकि ड्यू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और साथ में यहां पर मोनो न्यूक्लियर कंडीशन भी प्रेजेंट है तो इसको हम साथ में बोलेंगे सेकेंडरी माइसिलियम ओके okay? तो ये सब है इसके स्ट्रक्चर के बारे में अब हम देखते हैं कि क्लैम कनेक्शन राइट क्लैम कनेक्शन में क्या होता है कि एक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जो कि स्पेशली है बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में ओके okay? ये बेसिडियो माइसिटीज के जितने भी मेंबर्स हैं उसमें प्रेजेंट है ओके इसमें क्या होता है देखिए इसमें क्या होता है सबसे पहले जब जब फर्टिलाइजेशन होगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पर मेनली जो मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन स्टार्ट होगा ठीक है उसमें क्या होना चाहिए उसके लिए डायकेरियन सिचुएशन होनी चाहिए क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ऑबियस है कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है पहले स्टेप में देखोगे आप प्राइमरी एंड मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है जो यहाँ पर ये आउट ग्रोथ बना है तो जो मेल न्यूक्लियस है वो वहां पर शिफ्ट हो जाता है ये आप देखोगे एक आउट ग्रोथ में शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो रहा है डिवीजन दोनों में होगा मेल न्यूक्लियस में भी एंड फीमेल न्यूक्लियस में भी आप देख सकते हैं देन जब डिवीजन होगा उसके बाद ये दो सेल बनाएंगे दो मेल एंड दो फीमेल सेल जैसे ये सेल बनती हैं तो इसके बीच में एक कनेक्शन बन जाता है ये देखोगे आप इस तरीके का जो कनेक्शन दिख रहा है ये डी शेप का सो so, इसको हम कहते हैं क्लैम कनेक्शन जिसकी वजह से जो मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस हैं उनका क्या होगा फर्टिलाइजेशन होता है उनकी हेल्प से इस कनेक्शन की हेल्प से राइट right? सो so, इस तरीके से यहां पर जो है इस मेंबर्स में जो फैमिली है इनके जितने भी मेंबर्स हैं उसमें क्लैम की फॉर्मेशन होती है नाव रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो है आइदर बाय सेक्शुअल और एसेक्शुअल मीन्स वेजिटेटियल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली अपसेमेंटेशन ओके कॉनिडिया आपको पता ही है कि किस तरीके से बॉल लाइफ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कोई सेल का पार्ट है तो यहाँ पर बॉल लाइफ स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं दीज आर कॉनिडिया इससे पहले भी आपको बताया है बर्डिंग आपको पता ही है कि बर्ड जब एक फॉर्मेशन होती है बर्ड की किसी मदर सेल से सो तो उसे बडिंग कहेंगे फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि डिवीज़न होगा डिवीज़न तो के बाद वो कंप्लीट एक प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करेंगे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इसमें जो स्मट और रस्ट होते हैं उनमें बाय दी हेल्प ऑफ कॉनिडिया ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है किसकी हेल्प से कॉनिडिया की फॉर्मेशन से नाउ सेक्शुअल प्रोडक्शन देखिए जो सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है यानी कि जो पेसिडियो माइसिडीज है उनकी जो सेक्सुअबिलिटी होती है वो दैट इज इट इज वेरी मच रिड्यूस्ड ठीक है और इसको हम अपोजिट स्टेंड यानी कि इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट यह है कि यहां पर अपोजिट स्टेंड बनेंगे यानी कि मेल स्टेंड पॉजिटिव फीमेल स्टेन नेगेटिव दो अपोजिट स्टेन जब बनते हैं देन यहां पर फिर माइसिडियम बनता है देन फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है ओके ये देखोगे आप जब सिमिलर माइसिलियम होगा यानी कि एक ही माइसिलियम है उस में में सिंगल पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेन फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता है एंड देन बाय द ऑफ स्ट्रक्चर्स ओके सो यहाँ पर प्लाज्मोगेमी होगी जिससे हम डिप्लोडाइजेशन भी कहते हैं प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है कि दो तो जो सेल है मेल एंड फीमेल सेल उनका जितना भी प्रोटोप्लास्ट है उसका जब फ्यूजन होता है तो उसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं तो उसकी हेल्प से यहां पर दो हैप्रो माइसिया डेवलप होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट से राइट सो so, ये जो प्रोसेस है वो दो स्टेप में होती है पहला क्लैम कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया अभी कि क्लैम कनेक्शन किस तरीके से होता है एंड दूसरा है मेटाइजेशन। क्लैम कनेक्शन तो हमने डिस्कस कर लिया है अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से स्परमेटाइजेशन होता है देखिए ये एक डायग्राम है दिस दिस इज ऑल अबाउट बेसिडियो माइसिटीज़ यानी कि इसमें जो है ब्रीफ आइडिया मैं आपको दे रही हूँ बाकी हम डिटेल में मेंबर्स में पढ़ेंगे ओके सो so देखिए पहला क्या है पहला ये एक डाइकेरियन सेल है यानि कि एक पॉजिटिव न्यूक्लियस एक नेगेटिव न्यूक्लियस है वो मेल भी हो सकता है ना फीमेल भी हो सकता है राइट डाइकेरियन का मतलब क्या है जब दो न्यूक्लियस एक साथ प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डाइकेरियन डाईरियोन के बाद यहाँ पर डिप्लोयक्स प्रेजेंट होगाक्लियर राइट देन इसके बाद इसमें कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जैसे कि आप देखोगे की यहाँ पर क्या है कुछ स्ट्रक्चर बन रहे एक आउटग्रोथ प्रेजेंट है आप देखोगे जिसे हम कहते हैं स्टेरिग्मा राइट जैसे ही स्टेरिग्मा बनेगा ये जो ये पोर्शन आप देख रहे हो बलून लाइक पोर्शन है दैट इज कॉल्ड बेसिडियम यानी कि इस बेसिडियम से ही फिर क्या बनेंगे बेसिडियोस्पोर बनते हैं आप देखेंगे जैसे जैसे सेल डेवलप होती हैं तो यहां पर ये जो स्टेरिग्मा है वहां पर बेसिडियोस्पोर डेवलप होंगे आप देख सकते हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर ओवल शेप के स्ट्रक्चर है जैसे ही बेसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन होती है उसके बाद यहां आप देखोगे अगले स्टेप में दो हैप्पलॉयड जो सेल हैं क्योंकि सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूनि न्यूक्लियर कंडीशन है तो ये जो है एक सिंगल माइसिलियम है मेल एंड फीमेल जो न्यूक्लियस है वो बनाएंगे सो इस तरीके से यहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय दी हेल्प ऑफ क्लैम कनेक्शन एंड स्पर्मेटाइजेशन सो इस तरीके से ये था एक सिंपल एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज इसके बाद इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे Okay, so if you like my video, please do like, share, comment, and please subscribe to my channel. And thank you so much for watching this video.